देश की आजादी के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन नामों की याद सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात है वो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और फिर इनके शवों को सतलज नदी के किनारे जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और ब्रिटिश राज ने स्वतंत्र होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको सुखदेव का जीवन परिचय बताने जा रही हूं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुखदेव का जन्म और परिवार। सुखदेव का जन्म लुधियाना में 15 मई 1907 को हुआ था। सुखदेव का पुश्तैनी घर स्वतंत्रता से पहले के पंजाब में लुधियाना शहर में नौगरा मोहल्ले में है। उनके पिताजी का नाम रामलाल है और माताजी का नाम श्रीमती लल्ली देवी था। बचपन से ही सुखदेव ने ब्रिटिश राज के अत्याचारों को समझना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने देश में स्वतंत्रता की आवश्यकता बहुत पहले ही समझ आ गई। उनके भाई का नाम मथुरादास थापड़ था और भतीजे का नाम भारत भूषण थापड़ था। सुखदेव और भगत सिंह से प्रगाढ़ दोस्ती थी और दोनों जीवन के अंतिम क्षणों तक एक साथ रहे थे। सुखदेव का क्रांतिकारी जीवन। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। वे पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में क्रांतिकारी गतिविधियां संभालते थे। लाहौर में ही सुखदेव ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, जिसका काम देश में युवाओं को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और इस दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करना। हालांकि सुखदेव को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा उस घटना के लिए याद किया जाता है और किया जाता रहेगा जिसने देश में तत्कालिक सामाजिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य को ही बदलकर रख दिया था। वह था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की फांसी, जो कि उन्होंने सोच समझकर चुना था। और सच में सुखदेव की फांसी देश के लाखों युवाओं को देश हित के लिए जान देने हेतु प्रेरित किया। सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र के कारण दी गई थी, जबकि भगत सिंह और राजगुरु पर अन्य मुकदमे चल रहे थे, लेकिन इनके लिए फांसी का समय एक ही निर्धारित किया था, इसलिए आज तक ये तीन नाम एक साथ लिए जाते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन, इसका विरोध। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, जिसका काम भारत में आकर यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना था। इसका नेतृत्व साइमन कर रहे थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय की शहादत और सुखदेव पर इसका प्रभाव। उन दिनों देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत दल से हिस्सों में बंट चुके थे, जिन्हें गरम दल और नरम दल कहा जाता है। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी जेम्स स्कॉट ने वहां लाठी चार्ज कर दी, जिसके कारण लाला जी को भी कई चोटें आईं, लेकिन उनका भाषण बंद नहीं हुआ। लाला जी ने कहा, मुझ पर लगने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में लगने वाले एक एक कील के समान होगी। और इसके साथ उस सभा में वंदे मातरम का जयघोष होता गया। लाला जी इस रैली में भयंकर चोटिल हो गए थे और उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। नवंबर 1928 तक देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया था। इस पूरी गतिविधि पर सुखपाल और उनके साथ ही नजर रखे हुए थे। लाला जी के देहांत ने उन लोगों को बहुत आक्रोशित कर दिया। सॉन्डर्स हत्या में सुखदेव का योगदान। ब्रिटिश सरकार ने स्कॉट के खिलाफ एक्शन और लाला जी की मृत्यु की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और ये बात सुखदेव और उनके साथ ही पार्टी के अन्य सदस्यों को बुरी तरह से चुभ गई। इसलिए उस स्कॉट से बदला लेने के लिए सुखदेव ने भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने स्कॉट की गोली मारकर हत्या करने का प्लान बनाया,
लेकिन ये प्लान उस तरीके से सफल नहीं हो सका जैसा सोचा गया था और गोली गलतफहमी में जेपी सॉन्डर्स को लग गई। इसमें भगत सिंह का सहयोग सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। इस कारण इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सुखदेव आजाद, भगत सिंह और राजगुरु के पीछे लग गई। क्या था लाहौर षड्यंत्र? सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर में पुलिस ने हत्या के आरोपियों की खोज शुरू कर दी। ऐसे में इन क्रांतिकारियों के लिए वहां रुककर अपनी पहचान छुपाए रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस से बचकर भागने के लिए सुखदेव ने भगवती चरण वोहरा की मदद मांगी, जिसमें भगवती चरण वोहरा ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की। इस तरह से भगत सिंह वहां से बच निकले और कालांतर में सुखदेव को इस पूरे प्रकरण के कारण ही लाहौर षड्यंत्र में सह आरोपी बनाया गया। डिफेंस इंडिया एक्ट। क्रांतिकारियों की गतिविधियों को देखने के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत पुलिस के अधिकारों को बढ़ाने योजना बनाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों का जीवन मुश्किल होने लगा था। वास्तव में इस एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डालना और यातना देना था। हालांकि इस एक्ट को तब उस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था जिसमें आजमान के हितों की रक्षा का ध्यान रखा जाता है। इससे अंग्रेजों ने आमजन में खुद के लिए सहानुभूति और सहयोग हासिल करने की कोशिश की और जनता के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर गलत संदेश जाने लगा। केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना। इन सब के कारण क्रांतिकारियों की समस्याएं बढ़ने लगी थी, इसलिए इस एक्ट के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने केंद्रीय विधानसभा में बम गिराने की योजना बनाई। वास्तव में ऑगस्टे वेलेंट द्वारा फ्रेंच असेंबली में बम गिराने से भगत सिंह प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने ये आइडिया दिया था। पार्टी की पहली मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि भगत सिंह को रशिया जाना चाहिए और बुक्टेश्वर दत्त को ये काम करना चाहिए। विधानसभा में बम गिराने की योजना में सुखदेव का योगदान। सुखदेव को जब ये बात पता चली कि बम ब्लास्ट करने के बाद भगत सिंह को रशिया भेजने का सोचा जा रहा है, तो उन्होंने भगत सिंह की एक और मीटिंग बुलाने को कहा। दूसरी मीटिंग में ये तय किया गया कि बुक्तेश्वर दत्त और भगत सिंह विधानसभा में बम फेंकेंगे। इस तरह 8 अप्रैल 1929 को दोपहर 12:30 बजे जब नई दिल्ली का विधानसभा में सर जॉर्ज चेस्टर पब्लिक सेफ्टी बिल में विशेष अधिकारों की घोषणा करने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त भगत सिंह और दत्त ने असेंबली में बम फेंक दिया। इनकलाम जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद गुंगो और बहरों को सुनने के लिए आवाज ऊंची होनी चाहिए एक पत्रक भी हवा में उछाला। हालांकि बम से किसी को चोट नहीं आई थी, इसका पुष्टिकरण खुद ब्रिटिश सरकार ने भी किया था। भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्त ने इसके बाद पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। लाहौर षड्यंत्र की सजा और सुखदेव की गिरफ्तारी। अपराधियों के नाम घोषित होते ही पुलिस ने लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बम फैक्ट्री पर छापे मारकर मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हंसराज वोहरा, जयपाल और फणीन्द्र नाथ खोज सरकार के समर्थ बन गए, जिस कारण सुखदेव जतेंद्र नाथ और शिवराम राजगुरु को मिलाकर कुल 21 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन क्रांतिकारियों के खिलाफ सेक्शन 307 इंडियन पैनल कोर्ट ऑफ एडीएम दिल्ली के अंतर्गत विस्फोटक गतिविधियों के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत 7 मई 1929 को चलान पेश किया गया। 12 जून 1929 को इसके लिए जजमेंट दिया गया, जिसमें दोनों भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्त को आजीवन कारावास सुनाया गया। इसके बाद इन्हें पंजाब जेल भेज दिया गया, जहां लाहौर षड्यंत्र का केस पहले से इन पर चल रहा था। लाहौर षड्यंत्र की सुनवाई। 10 जुलाई 1929 को लाहौर की जेल में लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हुई। स्पेशल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में 32 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया और इनमें 9 लोग, जिनमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, 7 समर्थक थे और बचे हुए 16 को अपराधी मानकर सुनवाई शुरू की गई। जेल में भूख हड़ताल। लाहौर जेल में चलने वाली सुनवाई आगे नहीं हो सकी, क्योंकि जेल में मिलने वाले खराब गुणवत्ता के खाने की और जेलर की अमानवीय व्यवहार के लिए कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई थी और 63 दिन तक चली थी, जिसमें जतेंद्र नाथ दास शहीद हो गए और जनता में इसके कारण भयंकर आक्रोश फैल गया।
इसे पूरे घटनाक्रम में सुखदेव भी शामिल थे। जेल में उन्हें और अन्य कैदियों को जबरदस्ती खिलाने की कई कोशिश की गई और बहुत प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन वो कभी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। लाहौर षड्यंत्र केस की सजा। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए निर्णय 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। किशोरीलाल रतन, शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, जयदेव कपूर, नाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देश के सभी बड़े क्रांतिकारी तब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इस पूरे हमले पर निष्पक्ष थे और वो तब भी देश की जनता और क्रांतिकारियों से शांति की अपील कर रहे थे। सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा। सुखदेव ने जेल से ही गांधी जी को एक पत्र भी लिखा था। गांधी जी तब सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे जो कि हिंसा के अभियुक्त ना हो। उन्होंने क्रांतिकारियों से भी अपनी गतिविधियों और अभियान बंद करने की अपील की। इसी संघर्ष में सुखदेव ने गांधी जी को पत्र लिखा जो कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छपा था। इस पत्र में सुखदेव ने साफ शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए थे और गांधी जी को इस बात से अवगत कराया था कि उनका उद्देश्य केवल बड़ी बड़ी बातें करना ही नहीं है, बल्कि सच ये है कि देश के हित के लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जा सकते हैं और फांसी का घटनाक्रम भी इसी का उदाहरण है। ऐसे में गांधी जी यदि जेल में बंद कैदियों की पैरवी नहीं कर सकते तो उन्हें इन क्रांतिकारियों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने से भी बचना चाहिए। सुखदेव की शहादत। लाहौर षड्यंत्र के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा देनी तय की गई, लेकिन 17 मार्च 1931 को पंजाब के होम सेक्रेटरी ने इसे 23 मार्च 1931 कर दिया। इस कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को निर्धारित समय से एक दिन पूर्व ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इनके शवों को कैरोसिन डालकर सतलुज नदी के किनारे जला दिया। इस तरह सुखदेव थापर जब मात्र 24 वर्ष के थे तब अपने प्राणों की आहुति के साथ देश को वो संदेश भी दे गए जिसके लिए सदियों तक देश उनका आभारी रहेगा और इसी कारण 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।